जय जिनी, आज उत्तम शौच के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यूं तो पूजा के अंदर तीसरे धर्म के बाद मतलब उत्तम क्षमा मार्दव और आर्जव के बाद में सत्य धर्म की चर्चा आई है, लेकिन मैं यहाँ पर शौच धर्म को ही पहले ले रही हूँ, क्योंकि शौच धर्म के बारे में तत्वार्थ सूत्रकार ने उमा स्वामी ने जो सूत्र लिखा है, जो 10 धर्मों की चर्चा की, वो मुनिराजों की चर्चा के प्रसंग में की है, जहाँ पे संवर के कारणों में गुप्ती समिति की चर्चा करने के उपरांत 6 नंबर का सूत्र लिखा है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। वहाँ पर उन्होंने शौच धर्म को सत्य धर्म से पहले लिखा है, और उसके पीछे एक कारण ये भी है कि शुरू के जो 4 धर्म हैं वो 4 कषायों से संबंधित हैं। उत्तम क्षमा हमने देखा था क्रोध के अभाव का नाम है, उत्तम मार्दव था तो वो मान का अभाव था, उत्तम आर्जव था तो माया का अभाव है, और उत्तम शौच जो है वो लोभ के अभाव का नाम है। तो यहाँ पर हमको उसी सीक्वेंस के अंदर लेने के कारण मैं उत्तम शौच की चर्चा कर रही हूँ। पूजा के अंदर तो सत्य की चर्चा है, लेकिन मैं पहले शौच की चर्चा कर रही हूँ। अब शौच को कई बार इस रूप में भी ले लिया जाता है कि शरीर की शुद्धि तक इसको सीमित कर लिया जाता है, तो यह अज्ञानी है, क्योंकि यद्यपि व्यवहार से उसको शौच धर्म हम कह देते हैं, लेकिन वो अंत वास्तविक रूप में देखा जाए तो वीतरागता ही वास्तविक शौच धर्म होता है। और यहाँ जो बात कही गई है मैं उसको पढ़ती हूँ, शौच धर्म से संबंधित जो अर्घ्य है, धरी हृदय संतोष करहु तपस्या देहसो शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। धरी हृदय संतोष, हृदय में संतोष धारण करो, धरी हृदय संतोष करहु तपस्या देहसो, और देह से तपस्या करो। यहाँ पे संतोष वर्ड रखने का क्या मतलब है कि लोभ ना हो, तो लोभ ना हो और आपके हृदय में संतोष हो। तो लोभ के बारे में हम क्या कहते हैं, अक्सर लोभ हमको समझ लेते हैं, हम आजकल तो पैसे का लोभ समझ लेते हैं, लेकिन पैसे का ही लोभ नहीं होता, नाम का, रूप का, यश का, मान प्रतिष्ठा आदि बहुत तरह तरह के लोभ होते हैं, जिनके वश होकर के हम अपना ये दुर्लभ मनुष्य जन खो रहे हैं। तो उस सब की डिटेल में चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि वो सब आपके धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में भी आपको मिल जाएगी। अब है करहु तपस्या देहसो, देह से तपस्या करो, और फिर कहा शौच सदा निर्दोष, शौच सदा निर्दोष, शौच निर्दोष है, सदा ही निर्दोष है, और धर्म बड़ो संसार में, ये बड़ा धर्म है संसार के अंदर, शौच धर्म को संसार में बड़ा धर्म कहा गया है। क्यों? क्या क्षमा की अपेक्षा भी बड़ा है? क्या शौच धर्म मार्दव की अपेक्षा भी बड़ा है? हाँ, दूसरे धर्मों की तुलना में ये सबसे बड़ा है। मतलब साफ लिखा है पूजन कार्ड ज्ञानत्रय जी ने कि धर्म बड़ो संसार में, शौच धर्म को संसार में बड़ा इसलिए कहा गया क्योंकि ये लोभ के अभाव में प्रकट होता है। तो क्या हुआ अगर लोभ के अभाव में प्रकट होता है? तो नहीं, लोभ बहुत खतरनाक कषाय है, और खतरनाक कषाय कैसे है? क्योंकि यश प्रतिष्ठा का लोभ है, पैसे का लोभ है, और नाम का लोभ है, यश का लोभ है, ये मनुष्य को जिसे कहते हैं ना कहीं का नहीं छोड़ता है, और ये इंसान इसके पीछे मान अपमान तक को भी भूल जाता है, इसलिए इसको पाप का बाप तक कहा गया। देखिए आगे की लाइन में कहा है इस बारे में ही, उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को पाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। क्या कहा? उत्तम शौच सर्व जग जाना, उत्तम शौच की चर्चा सारा जगत जानता है, मतलब सारा जगत उत्तम शौच की चर्चा करता है, सब जानते हैं कि यह बहुत पवित्र धर्म है।
लोभ पाप को पाप बखाना, और दुनिया में कोई पाप ऐसा नहीं दिखता जो लोभियों के ना हो, इसलिए कहा उसको पाप का पाप। अभी हम इसको अगर थोड़ा सा खुलासा करें तो देखिए, अब हिंसा करने के पीछे क्या कारण होता है, लोभ ही होता है। और अगर हम किसी की हत्या करने के पीछे कोई कारण देखते हैं तो भी लोभ ही होता है। झूठ बोलने, चोरी करने, क्यों करता है व्यक्ति चोरी, क्यों बोलता है झूठ, कुशील परिग्रह आदि क्यों करता है, सब लोभ के पीछे। टैक्स बचाना, बेईमानी करना, छल कपट करना, इन सब के पीछे अगर हम गहराई में जाकर देखेंगे तो हमको लोभ ही दिखाई देगा। इसलिए एक शब्द में कह दिया कि लोभ पाप ही नहीं है, पाप का बाप है, क्योंकि जितने भी पाप होंगे वे सब लोभ के पीछे ही देखे जाएंगे। आगे क्या कहा, आशा पास महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आशा पास, जिसके पास आशा होगी, इच्छा होगी, आशाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी, वो क्या होगा, महा दुखदानी, वो बहुत दुख देने वाली होंगी। और संतोषी क्या होगा, सुख पाएगा, संतोषी प्राणी सुख प्राप्त करता है। अभी एक एग्जाम्पल देकर के मैं बात करती हूँ कि जैसे संतोष के लिए है कि संतोषी प्राणी सुख प्राप्त करता है, तो अगर अगर हम आज के जीवन में अपने को देखें तो हमको क्या लगता है कि हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए कि हम सुखी हो जाएंगे, कोई लिमिट है हमारे पास में? हो सकता है कि हमने कोई लिमिट की हो, पर उस लिमिट पर भी जब हम पहुंच जाएंगे ना तो भी हम सोचेंगे नहीं अभी और होना चाहिए, अभी और होना चाहिए। ये कभी लिमिट खत्म होती नहीं है, हमको कभी संतुष्टि मिलती नहीं है, शांति मिलती नहीं है, और हम इस अंधी दौड़ में भागते चले जाते हैं। कभी आपको, जब आपके पास पहले 2000 का मोबाइल था तो फिर आपको क्या लगता था, नहीं और अच्छा होना चाहिए, और जब वो टूट गया तब और नहीं नहीं अब ये तो उससे अच्छा ही होना चाहिए, फिर उसके बाद में 5000 10000, अब स्मार्टफोन होना चाहिए, स्मार्टफोन है तो आईफोन होना चाहिए, आईफोन हो तो फिर अब तो ये नया लॉन्च हो गया, अब यही होना चाहिए, तो पुराना हो गया अब आईफोन भी। मतलब हर बार हमको कुछ नया नया नया, मतलब आशाएं, हमारी आशाएं आकांक्षाएं जो है वो कभी खत्म नहीं होती है। चाहे हम गाड़ी को देख करके ले लें, अगर किसी के पास कोई एक गाड़ी मेंटेन करता है तो वो जब दूसरी लेने जाएगा तो पहले वाली से महंगी ही लेकर के आएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो पहले वाले की तरह ही लेकर के आ जाए, क्योंकि हमको तो लगता है ना कि तो पहले ही थी, अब तो कुछ नई लेंगे ना, बढ़िया लेंगे ना। तो ऐसे ही ये हमको ध्यान में रखना है कि जो संतोष होता है तभी आदमी को सुख प्राप्त होता है, अन्यथा वो इस दौड़ के अंदर दौड़ता ही रहता है। फिर आगे कहा है पूजन कार्ड ने, प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित गंग जमुन समुद्र नाय अशुचि दोष सुभावते। प्राणी सदा शुचिशील जप तप, कि स्वभाव से तो आत्मा परम पवित्र है, पर्याय में जो हमारे मोह राग द्वेष की अपवित्रता है ना, वो नहाने जान धोने से जाने वाली नहीं है। तो क्या कहा है कि आत्मज्ञान आत्म ध्यान जो है वो शील संयम जप तप के प्रभाव से होती है। जो आत्म ध्यान होता है वो, आत्मज्ञान जो होता है वो शील संयम, शील जप तप ज्ञान ध्यान इनके प्रभाव से होता है। और नित गंग जमुन समुद्र नहाए, अगर आप नित्य गंगा जमुना या समुद्र में भी नहा ले तो भी क्या होता है, अशुचि दोष स्वभाव थे, वो तो अशुचि दोष का ही उसका स्वभाव है, अशुचि दोष है उसमें। जो हमारा शरीर है वो हाड़ मास से बना है और स्वभाव से ही अशुचि है। अब ये गंगा जमुना में मल मल कर नहाने से पवित्र नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये देह तो आगे लिखा है पूजन कार्ड ने, ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे, बहु देह मैली सुगन थैली शौच गुण साधु लहे। ऊपर अमल मल भरियो भीतर, ऊपर से तो अमल मल रहित दिखाई देती है देह, और भीतर मल भरा हुआ है, तो देह हमारी कैसी है, ऐसे घड़े के समान है जो ऊपर से तो निर्मल दिखाई देता है पर जिसके भीतर मल भरा हुआ है। अब ऐसे घड़े को कितना भी मल मर करके शुद्ध कर लो वो पवित्र होने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे शरीर है, कितनी भी सफाई कर लो, जब ये बना ही मैल से है तो पवित्र कैसे हो सकता है। कौन विधि घट शुचि करे, कौन किस विधि से इस घड़े को आप शुचि पवित्र कहोगे। बहु देह मैली, ये जो देह है वो मैली है, सुगुण थैली, तथापि देह मैली होने पर भी क्या है, इसमें अनंत गुणों का पिंड आत्मा विद्यमान है, इसलिए का सुगुण थैली।
अनंत गुणों का पिंड आत्मा विद्यमान है, तो इसलिए एक प्रकार से सुगुणों की थैली है क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है। तो इसलिए कहा कि देह की सफाई पर आगे लिखा है ना शौच गुण साधु लहे, तो देह की सफाई पर भी जो ध्यान नहीं देते हैं मुनिराज, वो आत्म गुणों का विकास करके अपने शौच धर्म को प्रकट करते हैं। मतलब देह की सफाई पर भी ध्यान ना देने से मतलब क्या है, क्योंकि मुनिराज का एक आवश्यक गुण है अस्नान, वो स्नान नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मुनिराज को नहाने का नहीं, नहाने के राग का त्याग करते हैं, और जब नहाने का राग ही नहीं है उनको तो फिर नहाना कैसे हो सकता है, वे तो राग का त्याग कर रहे हैं ना। तो इसलिए कहा कि मुनिराज अपने शौच धर्म को प्रकट करते हैं आत्मगुणों का विकास करके। फिर यहाँ पर हमारा शौच धर्म से संबंधित जो पूजा का अर्घ है वो समाप्त हुआ, पर हम एक बात ये कह सकते हैं कि जो शौच धर्म के बारे में कि व्यवहार से हमने भले ही शरीर की पवित्रता मानते हैं शौच धर्म के अंदर, लेकिन आत्मा का जब तक कि आत्मा के अंदर वीतरागता प्रकट नहीं होगी, आत्म स्वभाव का स्पर्श नहीं होगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा, तब तक शौच धर्म प्रारंभ ही नहीं होगा। शौच धर्म ही क्या, सभी धर्मों का आरंभ आत्मानुभूति से ही होता है, तभी तो हम उत्तम शब्द का प्रयोग करते हैं हर धर्म के आगे। तो आत्मानुभूति ही उत्तम समाधि सभी धर्मों की जननी है, और जिसको पर्याय में पवित्रता प्रकट करनी हो, अर्थात जिनको शौच धर्म प्रकट करना हो, वे आत्मानुभूति प्राप्त करने का यत्न करें, आत्मा के उन्मुख हो, तभी उनका शौच धर्म प्रकट हो सकेगा। तो सभी आत्माएं आत्मोन्मुख होकर अपनी पर्याय में परम पवित्र शौच धर्म को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना से मैं विराम लेती हूँ। जय जिनेन्द्र।